अशोक और अदनान दोनों को कमजोरी से नफरत है. वो मेरा वॉरियर लुक था, महाराज सम्राट अशोक को बहुत पसंद आ रहा है प्रोमो. टीजर तो मैं दीवाना हो गया उसके पीछे, एंड देन ट्रेलर टू स्पेसिफिकली मैं कहूंगा तो ब्लूमी हो गया. हाय गाइस, दिस इज अदनान खान. हाय, दिस इज मलिका सिंह एंड यू आर वाचिंग अस ऑन स्टार स्टेशन. फर्स्टली वेलकम टू स्टार स्टेशन. यू नो, हमने अदनान आपका पहले जो लुक देखा वो उस लुक से ये लुक बहुत ही डिफरेंट है. सबसे पहले तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? वो मेरा वॉरियर लुक था, वो मेरा बैटल रेडी लुक था, और ये है व्हेन आई ऑफिशियली बिकम महाराज सम्राट अशोक. तो एक ऑब्वियस सी चेंज आनी चाहिए उस लुक में. वो वाला अशोक डजंट केयर, ये वाला अशोक भी डजंट केयर, बट करना पड़ता है आई थिंक आपकी प्रजा के लिए. एंड दिस, ये जो पोजीशन है, जो मुकाम है, उस मुकाम की वजह से थोड़ा सा पॉलिश लुक आनी चाहिए. वो वाले लुक में, वो वाला लुक मुझे और भी ज्यादा पसंद है. ही डजंट केयर हिज हेयर, उसके बाल ऐसी हवा में लहरा रहे हैं. ही डजंट केयर क्या पहना है, इट्स जस्ट अबाउट आर्मर प्रैक्टिकलिटी. बट दिस वन इज कूल टू, दे मेड मी सम्राट एंड फील्स गुड. वेल, आप दोनों से सवाल है, प्रोमो आउट हो चुका है बैक टू बैक 1-2, और उसके बाद से जिस तरीके से लोग का फीडबैक आ रहा है उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, और क्या आपने फीडबैक पढ़ा है आप दोनों ने? मैंने जितना भी हम सुन रहे हैं बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, सबको बहुत पसंद आ रहा है प्रोमो, और बहुत मेहनत भी है उसके पीछे तो, और बहुत ब्यूटिफुली बनाया गया है. बहुत डिटेलिंग में अगर देखेंगे, जैसा हमने शूट किया है तब तो हमें नहीं समझ में आया था कि ऐसा दिखने वाला है, बट जब हमने स्क्रीन पे देखा तो इट वाज अमेजिंग. एंड आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे दोस्त लोग से तो इट वाज रियली गुड, इट वाज अ फैंटास्टिक लुकिंग ट्रेलर एंड टीजर, पर उससे ज्यादा आई थिंक मेरा खुद का रिएक्शन मेरे लिए फीडबैक था कि मेरे को बहुत, मैंने बहुत एंजॉय किया. टीजर तो मैं दीवाना हो गया उसके पीछे, एंड देन ट्रेलर टू स्पेसिफिकली मैं कहूंगा तो ब्लूमी हो गया. इट्स लाइक वाओ वाओ, दैट्स ये बेहतरीन सा ट्रेलर बनाया इन्होंने. एंड शी वाज स्पॉट ऑन, इन्होंने सही कहा कि करते वक्त इतना फील नहीं हो रहा था कि इतना बेहतर निकल के आएगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, सबसे पहले आप लोग का इंटरेक्शन से बात करेंगे, फर्स्ट इंटरेक्शन किस तरीके था, और अब तक की बॉन्डिंग की बात की जाए तो किससे की बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप दोनों? अभी तक तो अनफॉर्चुनेटली बॉन्डिंग हो नहीं पाई है बिकॉज हम लोग ने साथ में शूट नहीं किया, बट मेरा पहला इंटरेक्शन इनके साथ ये था कि बहुत ही काबिल इंसान है जो अपने काम से काम मतलब रखती हैं, और बहुत अच्छी है अपने काम में. तो मुझे लगा कि इनके साथ मेरी जो ये एक्टर वाला रिश्ता है वो बहुत लंबा जाएगा, बिकॉज मजा आता है अच्छे लोग के साथ काम करने में. आप क्या कहेंगे? मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन, मैं बहुत नर्वस थी जब मेरा मॉक शूट था, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद एक तो कैमरा फेस कर रही थी, एंड बट इनके साथ मैंने बहुत सुना था इनके बारे में कि बहुत टैलेंटेड है, और मैंने इसे जब साथ में काम किया तो देखा भी, एंड बहुत ही हम्बल है और बहुत ही हार्ड वर्किंग है. अगर बात की जाए तो सबसे पहले जब आप दोनों एक दूसरे से मिले तो कौन सी चीज है जो नोटिस किया एक दूसरे के बारे में जब पहली बार मिले तो? मैं तो कहूंगा इनका टैलेंट. और आपने? मैं भी टैलेंट ही कहना चाहूंगी, और मैं ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि ये हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है. अभी उनका हिडन टैलेंट क्या है अगर बताना चाहे तो? ये कर सकते हैं आप? आप हिडन टैलेंट? ऐसा तो कुछ नहीं है जो हिडन टैलेंट है. ओके, अगर बात की जाए तो सेट पे किस तरीके का माहौल रहता है? आज फर्स्ट शूटिंग था लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे शूट हुए, तो क्या माहौल है सेट का, क्या कहना चाहिए? यार हमारे डायरेक्टर साहब जो है मुजम्मल सर, बड़े ही कमाल के, उनको देख के आपको इस बात का अंदाजा नहीं हो जाएगा कि वो कितना कमाल का काम करते हैं, बिकॉज ही इज जेन्युइनली, मैं रोज जितना उनके साथ काम करते जा रहा हूँ मेरी इज्जत उनके लिए बढ़ती जा रही है, बिकॉज मुझे लग रहा है यार वाओ ये हीरा कहाँ छुपा था. आई टोटली अग्री विद हिम इन दिस केस, क्योंकि बहुत बहुत जरूरी है कि जब आप अपना 100% देते हो ना तो आपके लिए वो कंफर्ट जोन होना भी बहुत जरूरी है बीइंग एन एक्टर, कि आप खुल के कर पाओ. तो वो सर कैसे करते हैं, वो बहुत वो स्पेस क्रिएट करके रखते हैं, और बहुत हेल्प करते हैं वो एक्टिंग में, बहुत सिखाते हैं हर एक चीज में, बहुत बारीकी से नोटिस करते हैं, which I really like about him.
ऑन स्क्रीन सीन की बात की जाए तो काफी हेडेक शेड्यूल होता है, लेकिन उसको ऑफ स्क्रीन सेट को माहौल है चिल बनाने के लिए क्या कुछ करते हैं आप लोग, क्योंकि यू नो पूरा एकदम ही चेंज हो जाता है और काफी चीजें बहुत ही हेडेक होती है, तो क्या करते हैं? देखिए जब आप किसी चीज से मोहब्बत करते हो, मेरे लिए मैं यही सोचा था कि मेरा काम अभी मुझे मेरे हॉलीडेज से ज्यादा पसंद आने लगा है। पता नहीं ये अच्छी बात, मुझे लग तो रहा है अच्छी बात है, बट ये ऑफ शूट अदनान के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मतलब क्या है, बट यकीनन मुझे शूटिंग डेज में और ज्यादा मजा आता है, तो हेडेक बहुत कम होता है मेरे को, बहुत कम। मुझे तो बनिस्बत अच्छा लगता है, the more they call me for shoot, I keep enjoying. Like कितना busy schedule होता है, और on screen की बात की चल, लेकिन off screen को chill माहौल बनाने के लिए क्या कुछ करते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो नया नया काम शुरू हुआ है, अभी तो हम किरदारों को समझ रहे हैं, तो पूरा टाइम तो उसी में जाता है, आई थिंक ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन घर पे भी शायद बैक ऑफ द माइंड यही चलता रहता है कि कल कैसे करेंगे और क्या ऐड कर सकते हैं, तो अभी वही चल रहा है, तो अभी वो चिलिंग वाला माहौल नहीं, आई थिंक शूट के साथ ही वो ये शूट चिलिंग चिल भी हो रहा है और काम भी हो रहा है और सब बहुत अच्छा हो रहा है। किसी भी कैरेक्टर्स को काम करते उसे रिलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप लोग अपने कैरेक्टर से कौन सा ऐसा चीज है जो रिलेट कर पाते हैं? मैं बहुत सारी चीजें अभी तो मैं स्टिल फिगर आउट कर रही हूँ, ढूंढ रही हूँ कि क्या क्या मैं रिलेट करती हूँ, बट अगेन एज इट सेड कि कौरवकी बिलीव्ड इन लव, द पावर ऑफ लव विच आई बिलीव इन टू, ये एक बहुत बड़ी वो है जो मैं कनेक्ट करती हूँ उनसे, बाकी मैं और फाइंड आउट कर रही हूँ। एंड अदनान आप? मैं ये कहूँगा कि शायद इंटेंसिटी में फर्क होगा, पर अशोक और अदनान दोनों को कमजोरी से नफरत है, मुझे भी कमजोरी नहीं पसंद है, मुझे लगता है कि मुझे सिखाया गया शायद कि दैट वीकनेस इज नॉट अ ट्रेट टू बी, ये एक ऐसा बिहेवियर जो आपको नहीं पालना चाहिए। यही कि गाइस हमारा बहुत ही प्यारा सा शो आने वाला है फेब 6 को, मंडे टू फ्राइडे रात 10 बजे सिर्फ कलर्स पर, प्लीज देखिएगा।